वेलकम टू माय चैनल। आजकल फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैं आपको बेसन का लड्डू बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपको चीनी, 2 कटोरी चीनी ले लेनी है और उसमें 1 गिलास पानी डाल के पहले बेसन के लड्डू के लिए चीनी का बूरा बनाना है। बेसन के लड्डू में चीनी ऐसे नहीं डाली जाती है। किसी भी मिठाई को बनाने के लिए पहले बूरा बनाना पड़ता है। उसके लिए 2 कटोरी चीनी और 1 गिलास पानी एक पैन में डाल के और 1 चम्मच देसी घी डाल के इसको धीमे आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। जब चीनी बिल्कुल गल जाए और इस तरह खौलने लगे, अगर इसमें झाग ज़्यादा आ रहा हो तो उसको निकाल दीजिए बाहर, और नहीं तो आजकल चीनी साफ़ आती है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको चलाते हुए जब तक ये पूरा गाढ़ा हो जाए इस तरह, तब तक चलाते रहिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करके आप इसको चलाते रहिए और ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। इसको बनाने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। बूरा बाज़ार में भी मिल जाता है, मार्केट में भी आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं ख़रीद के भी, और नहीं तो आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये पूरी अच्छी तरीके से जम जाएगा, और इसमें घी मिलाया गया है इसलिए ये खिला खिला बाद में इसको अच्छे से, बस ये है कि चलाते रहिएगा। इसको ऐसे छोड़ देंगे तो जम जाएगा। इसको चलाते रहिए, चलाते चलाते आप इसको हाथों से, जब ये ठंडा हो जाए तो हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल हाथों से इसको तोड़ लीजिए और बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये आपका बूरा बनके तैयार है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 कटोरी बेसन डाल लीजिए। और 1 कटोरी घी, आप 2 कटोरी भी देसी घी डाल सकते हैं और रिफाइंड में भी आप बना सकते हैं बेसन के लड्डू को, आप जिस तरीके से चाहें उस तरह। देसी घी अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपको लड्डू बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर कम डालेंगे, जैसे मैंने 1 कटोरी डाला, तो थोड़ा लड्डू को बांधने में दिक्कत आता है। जितना ज़्यादा घी रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा लड्डू। उसके बाद इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे इसको भूनते रहिए। ये 3 बार कम से कम बेसन आपका कलर चेंज करेगा। एक बार बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल पीला रहेगा, फिर धीरे धीरे इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा, फिर थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन में आ जाएगा। इसको चलाते हुए धीमे आंच पे इसको पकाते रहिए। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता बेसन के लड्डू बनाने में। त्योहारों में आजकल बेसन के लड्डू और सब बहुत मिलावट आ रही है मिठाइयों में, इसलिए घर पे आप बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब गणेश चौथ आ रहा है, गणेश चौथ में आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं। राखी, जन्माष्टमी, मेरी वीडियो आए तब तक हो सकता है कि जन्माष्टमी निकल जाए।
जब तक बेसन भुन रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को एक लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी घरों पे अपनी मिठाइयाँ बना लें। जब ये सारे बेसन आपके भुन जाए, जब इस कलर में आपके बेसन हो जाए, तब आप इसको कढ़ाई से निकाल लीजिए और इसमें भूरे को लेके मिला लीजिए बेसन के साथ। शायद वीडियो में नहीं आया है कि भूरा को इसमें डाल लीजिए जो आपने बनाया था, और उसके बाद इसके हाथों से अपने लड्डू को वैसे गोल गोल करके बांध लीजिए। अगर इसमें ज़्यादा घी मिला रहेगा तो जल्दी से ये लड्डू बन जाएंगे आपके। इस तरह करके सारे लड्डुओं को बना लीजिए और आपके ये लड्डू बनके तैयार हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाइएगा। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।